4 जून को जो नतीजे आएंगे वो राहुल गांधी ही बनेंगे। राहुल गांधी पूरे वादे निभाए। पूरे वादे निभाए कौन कौन से? 370 है, 370 खत्म कर दी, बाकी सबको जो सिलेंडर का मिला है सिलेंडर सबको मिले, राशन पूरे देश में मिलना, तो सारी चीजें मिल रही। खुद पर मोदी भक्त है? मोदी भक्त नहीं, नहीं मोदी भक्त है, पूरे में टेंट लगवा भाई ने वादा वहाँ तक खूब अच्छा पैसा खर्च करा भाई ने, खूब खोल कर मोदी भक्त हैं क्या? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हम किसी के भक्त नहीं है। 400 बार का नारा दे रहे, कैसे देख रहे हैं? हमें तो सही नहीं लग रहा, सही नहीं लग रहा हमें, सही 420 ही दिख रही है। अच्छा 420 ही दिख रही है, जी कह रहे 420 ही दिख रही है। सटीक खबरों का सीधा असर, आप देख रहे हैं NCR समाचार, खबर भी असर भी। नमस्कार, मैं आपके साथ रितेशा मंगवाना और आप देख रहे हैं NCR समाचार। लोकसभा का अंतिम चरण चल रहा है, 4 जून को नतीजे आ जाएंगे, किसकी सरकार आ रही है और कौन प्रधानमंत्री बनने वाला और कौन सत्ता से दूर हटने वाला है। तो सीधा यहाँ पर जनता से जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जनता किससे प्रधानमंत्री देख रही है अंतिम चरणों में। सीधा जनता से जुड़ने की कोशिश करेंगे, पहले किसे प्रधानमंत्री देख रहे हैं। 4 जून को जो नतीजे आएंगे वो राहुल गांधी ही बनेंगे। राहुल गांधी मोदी जी क्यों नहीं? देखो जी, मोदी जी ने काम तो करे नहीं है, मोदी जी काम करते तो प्रधानमंत्री बनते, क्योंकि मोदी जी बोलते हैं और करते नहीं है। मोदी जी कहते हैं जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ। क्या किया वो, क्या किया आप बताओ? सबका साथ सबका विकास, 370 हटाए, 3 तलाक खत्म करे, राम मंदिर बनवाया। काम के ऊपर होता है, देखो ये वोट जो डले हैं, जो जो जनता चाहती है वो काम चाहती है। काम नहीं हुए, काम नहीं हुए जनता के लिए, कुछ नहीं, नहीं कुछ काम नहीं, तो योजनाएं जो मोदी जी वाली है कुछ ही नहीं पहुँची, हमारे तक तो नहीं पहुँची, कुछ भी फायदा 10 साल में नहीं उठा, नहीं कोई फायदा नहीं उठाया, कोई फायदा नहीं उठाया, कोई फायदा हुआ ही नहीं। अगर फायदा नहीं उठाया तो 2 बार कैसे प्रधानमंत्री बन गए? देखो जी, सबका साथ सबका विकास कहते कहते प्रधानमंत्री बन गए, ये किस्मत थी, सब किस्मत से होता है, अब उनकी किस्मत थी वहाँ पहुँच गए, बाकी ये है सबका साथ सबका विकास कहने से प्रधानमंत्री नहीं, काम के ऊपर प्रधानमंत्री। किस्मत से कैसे पहुँच जाएंगे, वोट भी तो डली होगी ना जनता ने? वोट डली, वोट डली है, जनता ने डाली है वोट, ऐसा नहीं है, सबने डाली वोट, पर जब काम नजर नहीं आया, जब काम नजर आता है जभी तो, जब काम नजर नहीं आया तो कैसे बनते ये बताओ। अब काम जनता पसंद नहीं कर रही है, कोई जनता पसंद नहीं कर रही, अच्छे दिन के वादे किए थे मोदी, जो वादे किए तो वादे निभाते, तो वो वादे कहाँ निभाए आप बताएं, कौन से वादे निभाए? वादे नहीं निभा पाए क्या मोदी जी? पूरे वादे निभा पाए, पूरे वादे निभा पाए, कौन कौन से? 370 है, 370 खत्म कर दी, बाकी सबको जो सिलेंडर का मिला है सिलेंडर सबको मिले, राशन पूरे देश में मिलना, तो सारी चीजें मिल रही मिला है 10 साल में। अच्छे दिन आ रहे हैं। हमें तो नहीं दिखा, हमारे तो काम ही बंद हो गए सारे, हमें तो काम ही नहीं मिल रहा है, हम तो 4 महीने से खाली बैठे, हमें तो काम ही नहीं मिल रहा है, बताओ। तो आप 4 महीने से खाली बैठे ना? हाँ जी, 4 महीने से हम खाली बैठे, हमें काम ही नहीं है हमारे पास, हमारे बच्चे परेशान है, हम सब परेशान है, बताओ क्या करें। पर ये भैया कह रहे थे 10 साल में अच्छे दिन आए, सब काम हुआ है भाई, प्रधानमंत्री योजना में सबको घर मिले, किसको नहीं मिले बताओ? पक्के मकान मिले आपको? अरे पक्के मकान कहाँ मिले, हम तो किराया भी नहीं भर पा रहे, किराया भी नहीं, जब जब यहाँ केजरीवाल, जब केजरीवाल है लागू नहीं कर पाए, मोदी जी की स्कीम जो यहाँ थी वो लागू नहीं कर पाए, यूपी में सबको पक्के मकान मिले, चले जाओ बेहटा देख लो इधर, गगन बिहार केजरीवाल ने लागू नहीं होने, यहाँ लागू नहीं होने थी उन्होंने योजना, तो वहाँ फ्री जैसे इलाज हो रहा है, 5 लाख मिलने हैं, तो वो यहाँ लागू नहीं कराऊंगा। अच्छा मुद्दा क्या रहने वाला है, क्योंकि अब प्रधानमंत्री किसे देख रहे हैं आप, अंतिम चरण चल रहा है लोकसभा चुनाव, तो मोदी जी आने वाले हाँ, किस मुद्दे पर जनता लाएगी? मुद्दा क्या, मुद्दे सारे पूरे कर दिए उन्होंने, ऐसे अब योजना पूरे कर देंगे, महंगाई, बेरोजगारी, विकास की बात, कोई बेरोजगारी नहीं, देखो किसका काम नहीं चल रहा है, देखो काम किसके नहीं चल रहे है, देखो किधर करो ना कैमरा, इधर करो ना, हाँ तो दिखाओ वो चीज, दिखाओ किसका काम नहीं चल रहा, काम तो चल रहा है, सब कुछ अच्छा हो रहा है, सबका चल रहा है, हमें दिखाई दे रहा है सबका चल रहा है काम, हमारा भाई हमारा नहीं चल रहा, सबका चल रहा है, तो हमारा चलेगा तो पता चलेगी ना, हमारा नहीं चल रहा,
किसी का नहीं चल रहा काम वाम, सब परेशान है। अंकल खुद परेशान है, पूछो इनसे खुद परेशान। मोदी भक्त है? नहीं नहीं मोदी भक्त है, पूरे में टेंट लगवा भाई नवाज है वहाँ तक, खूब अच्छा पैसा खर्च करा भाई ने, खूब खोल कर। मोदी भक्त है क्या? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हम किसी के भक्त नहीं है। अच्छा इंडिया गठबंधन कह रहा है कि हम आने वाले इस बार, वो तो सारे बेवड़े हैं, बेकार हैं सारे सारे। जैसा होता है ना मानवती ने कुनवा जोड़ा, जो इधर के उधर के जब चल देते हैं, जब हार होनी होनी उनकी, वो मैं कहना नहीं चाहता चीज को कैमरे पे, ताकि उनकी हार निश्चित है सबकी, इंडिया गठबंधन की हार निश्चित है भाई। हमें तो नहीं लगता इंडिया गठबंधन की हार निश्चित है भाई, ये कह रहे हैं हो सकता है इनकी इनकी बात सच निकल जाए भाई। हमें तो अनुमति ने कुनबा जोड़ा, इंडिया गठबंधन में सारे जोड़े जुड़ाए, कह रहे सत्ता पर भी अगर आ गए तो प्रधानमंत्री की लड़ाई हो जाएगी भाई। प्रधानमंत्री की लड़ाई होती है, मान लो छोटी सी बात, अगर प्रधानमंत्री एक दूसरे से लड़ते हैं तो ये देखो हमें काम चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें काम चाहिए, हमारे बच्चे खुश रहे, हम खुश रहे, परिवार खुश रहे, पड़ोसी खुश रहे, सब खुश रहे। हमें ऐसी सरकार चाहिए जो हम सारे मिल कर रहे हैं। जनता ही तो कहती है कि मोदी जी के हाथों में देश सुरक्षित है। देश सुरक्षित तो मोदी जी के हाथों में है, ठीक है मैं मान लिया, पर हम सुरक्षित नहीं है तो फायदा क्या देश सुरक्षित करने से, हम तो सुरक्षित नहीं है। हम सुरक्षित नहीं है भाई, हम कहाँ से सुरक्षित है, जब हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं, हमारे काम नहीं चल रहे, तो हम बताओ 5 किलो राशन योजनाएं दे रहे हैं, जब हमारा राशन कार्ड ही नहीं बना तो बताओ, नहीं बनवाया राशन कार्ड, बहुत कुछ भागा दौड़ी करी है, सब कुछ करा, नहीं बना राशन, कब से नहीं बना राशन कार्ड, मुझे 30 साल हो गए, 30 साल से राशन कार्ड, कांग्रेस के टाइम से भी नहीं बना। कांग्रेस के टाइम पे राशन कार्ड था, जब हमारा राशन कार्ड था हमने जमा कराया, घर घर मकान चेंज कराया, मकान चेंज कराने के बाद हम जब वहाँ दफ्तर गए, उन्होंने कहा जी क्या आप एड्रेस दो, एड्रेस के लिए भगाया, आपके चक्कर पे चक्कर लगाए, कांग्रेस के राज में तो हमने इतने चक्कर लगाए हम जूते तक गए, हमारे जूते घिस गए, मतलब चक्कर लगाते लगाते जूते घिस गए, हमारा राशन कार्ड नहीं बना। अच्छा मोदी जी कहते हैं मैं गरीबों का मसीहा हूँ, देखो गरीबों का मसीहा जब माना जाएगा, जब गरीब खुश रहेगा। गरीब खुश नहीं है क्या? हमें तो नहीं दिखाई देता गरीब कहीं खुश है, बताओ किराया नहीं निकल रहा, मकान का किराया नहीं दे पा रहा आदमी, तो खुश कहाँ? आप बताइए किसे देख रहे हैं प्रधानमंत्री? फिलहाल तो आप किसी को नहीं देख रहे, परेशान है, काम ही नहीं है, काम ही नहीं है, रोजगार कारोबार भी ठप पड़ा है, महंगाई की बात, महंगाई इतनी है कि बच्चे पालने मुश्किल हो रहे हैं। अच्छा अब अंतिम चरण चल रहा है चुनाव का, क्या लग रहा है कौन आने वाला है सत्ता पर, कौन काबिज होगा? अब ये तो अभी पता नहीं चल रहा है इस बारे में, अभी तो पता नहीं चल रहा कौन आया कौन। मोदी 400 बार का नारा दे रहे, कैसे देख रहे हैं सारे? हमें तो सही नहीं लग रहा, सही नहीं लग रहा है? हमें सही नहीं लग रहा। जिसकी लाठी होती है उसकी भैंस होती है, मैडम ये क्या कर सकते हैं ये बताओ, जिसकी लाठी होती है उसकी भैंस होती है, लाठी किसके पास है? डंडा है, लाठी तो फिलहाल तो मोदी जी के पास में है, और तो बाकी का ऊपर वाला मालिक है जी किसी की। क्या लग रहा है इस बार 4 जून को क्या धमाल होने वाला है? धमाल तो 4 तारीख के बाद में बता सकते हैं मैडम, पहले तो क्या बता सकते हैं, पहले तो कुछ पता नहीं है। देखो जी ऐसा है जी, बराबर में भी मतलब एक खड़ा है, एक इधर भी खड़ा है, मेरा पट्टा दो घुलेंगे तो एक तो जीतेगा जी। भाई साहब तो कह रहे 420 आएंगे सीटें, ऐसा कुछ नहीं जी, कोई किसी के सिर पर थोड़ी लेके चल रहा है जी, मना कर रहे नहीं है भाई, ये अभी थोड़े बहम में है, जब खुलेंगे उस दिन पता लग जाएगा, ये थोड़े बहम में है, 420 ही आएंगे, 421 देखने को तो कुछ बिल दिख रहा है, मगर क्या कहना है भाई, कह रहा है उनका जवाब दे रहा है 420 ही दिख रही है। अच्छा 420 ही दिख रही है जी, कह रहे 420 ही दिख रही है, चलो देखो बढ़िया। भारतीय जनता पार्टी 420 ही करती है क्या? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये अपना अपना हिसाब होता है, कहीं मानो कांग्रेस जीत जाएगी किसी सीट को तो जरूरी नहीं है कि वहाँ जो भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, हर सीट का अलग अलग हिसाब होता है, ऐसा नहीं है कि एक सीट पे ही जीत जाए, तो जैसे पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल में 18 सीट आई थी, अब कम से कम 35 सीट आएंगी पश्चिम बंगाल, 35 सीट। आप क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर प्रधानमंत्री मोदी जी नहीं है तो किसी को तो चेहरा देखना होंगे जो देश चला पाए, ऐसा देश चले जो फायदा हो पब्लिक को, जो तरक्की हो, या तो बहुत परेशान है इस टाइम, कोई आदमी खुश नहीं है, 10 साल में विकास ही विकास, लबालब नौकरियां ही है, भरमार है नौकरियों, तो नौकरी वालों के लिए, हम जैसे के लिए क्या है, गरीब आदमी के लिए क्या है, बच्चे के राशन को, ये बच्चा है इसका चेहरा दिखाओ, राशन को 4-5 साल हो गए इसका नाम नहीं आया अभी राशन कार्ड में, राशन दफ्तर के चक्कर काट रहे हैं,
कहते हैं अभी काम ही नहीं है, बंद पड़ा है अभी, होना का ही नहीं काम अभी। तो मोदी जी के राज में तो डबल स्पीड से काम हो रहे हैं। आप तो नहीं, नहीं, नहीं हमें क्या मालूम रुका पड़ा है। राशन जब सभी टांगे दुखे चक्कर काटते काटते हैं, लेकिन वो कह रहे हैं अभी काम नहीं होने का। इस बच्चे को कम से कम 5 साल है, 19 में इसका कराया मैंने नाम, उसमें चढ़वाया, लेकिन अभी तक नहीं आया। अच्छा राहुल गांधी कैसे लग रहे हैं? वो सही था, उसके सामने तरक्की थी, वो मतलब खा रहे थे अच्छा हो रहा। अब क्या है, कुछ भी नहीं है, परेशान है। के राज में नहीं खा पा रहे। अब क्या, हम तो नहीं खा पा रहे, इस टाइम परेशान है। 10 साल बेमिसाल का नारा देते हैं कि 10 साल हमारे बेमिसाल रहे, जनता के लिए इतना काम हुआ है। इस बारे में हमें मालूम नहीं, जनता हमें तो अपना मालूम है की आज की डेट में हम कारोबार रोजगार से परेशान है। डब मोदी की तो पूरी चल रही है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के। देखिए लगातार अंतिम चरणों में जनता के बीच है, जनता अंतिम चरण में क्या माहौल है कि इसे अपना प्रधानमंत्री देख रही है। हालांकि जनता अभी भी काफी परेशान दिख रही है, पर देखना यही है, अगर कोई सी भी पार्टी, कोई सा भी इंडिया गठबंधन हो या मोदी सरकार, अगर आते हैं दोनों में से कोई भी सत्ता पर काबिज होता है, तो क्या आम जनता के लिए काम होगा, गरीबों के लिए काम होगा, मजदूरों के लिए काम होगा, किसानों के लिए काम होगा, ये बड़ा सवाल है। 4 जून को नतीजे आ जाएंगे, आपको पता चल जाएगा कौन बनेगा प्रधानमंत्री। मैं आपके साथ रितेश मंगवाना और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार।